आइए, एक चेतावनी गीत है कि कैसे हमारा भारत देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज ये भारत कैसे कंगाल हुआ है, कैसे आर्य विदेशी आकर के इस भारत देश को लूटने का काम किया और इस भारत देश में कैसे अपना कब्जा जमाया, फिर उसके बाद में कैसे मुगलों का शासक रहा, कैसे अंग्रेज आए इस भारत देश को निरंतर किसी ना किसी विदेशी मुल्क आकर के कैसे हमारे भारत देश को खोखला कर दिया। कभी सोने का चिड़िया हुआ करता था, कभी ये बुद्ध की धरती होती थी, बुद्ध की धरती कैसे युद्ध में बदली। हमारे भारत देश में अनेकों राजा हुए, ऐसे महान अशोक सम्राट महान राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक हुए और हमारे मौर्य वंश में 10 राजा हुए जिसमें 10वां राजा राजा बृहद्रथ, और कैसे विदेशी आर्य लोगों ने राजा बृहद्रथ की हत्या करके अपना शासन किया और बुद्ध की धरती हुआ करती थी, इस बुद्ध की धरती पर कैसे युद्ध हुआ और कैसे बौद्धों को, जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, उनको इस भारत देश में मिटाने का काम किया और बौद्ध ग्रंथ को कैसे यहाँ से मिटाया गया, कैसे इतिहास को छुपाया गया, कहना है, चेतावनी गीत है, आप सभी लोग सुनेंगे इस गीत के माध्यम से। आइए सुनते हैं। अरे भगवान बुद्ध के बौद्ध धम्म की, अरे भगवान बुद्ध के बौद्ध धम्म को दुनिया ने स्वीकार किया, लेकिन कुछ ढोंगी पाखंडी लोगों ने भारत को बर्बाद किया। We'll be right back.
लूट लिया, अपनी हिस्सा न बढ़ाने को ये दुनिया भर में मोड़ दिया। अरे बनकर लुटेरे कुछ लोगों ने, अरे भारत देश लूट लिया, अपनी हिस्सा न बढ़ाने को अपने मतलब का काम किया। कैसे भगवान बुद्ध ने मानव को मानव से प्रेम करना सिखाया, उनको प्रेम पूर्वक रहना सिखाया और शांति का संदेश दिया, कहना है। अरे मानव सभी समान, भगवान बुद्ध ने संदेश दिया, लेकिन कुछ ढोंगी पाखंडी ने इस भारत को हाल लूट लिया। और कहना है, ध्यान देंगे, अरे जाति पाति का झांसा देकर अरे मानव को यह बांट दिया, लूट लिया करके अपने मतलब का है काम के।